भारत पाकिस्तान ने अब तक 4 जंगें लड़ी, लेकिन लोग शायद ही ये जानते हैं कि इन सब के अलावा एक लड़ाई और लड़ी गई थी। जैसे ही इंडियंस यहां पहुंचेंगे, फाइन से कॉन्टैक्ट होगा, खेल खत्म। लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी आजादी का उत्सव मनाए। तेरी बंदूक, तेरी वर्दी, तेरी तनख्वाह सब एक कर्ज है जिसे तुझे खून से चुकाना है। जैसे जैसे तू दुश्मन को मारता जाएगा, तेरा कर्ज बढ़ता जाएगा। फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया से दर्शक क्या सीख ले सकते हैं? बॉडीग्राड स्टूडियोज में सभी दर्शकों का बहुत दिल से स्वागत है। फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है। ये IAF स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिक के जीवन के बारे में है, जो भुज हवाई अड्डे के तत्कालीन प्रभावी हैं। उन्होंने अपनी टीम के साथ 300 महिलाओं की मदद से वायुसेना के एयरबेस को पुनर्निर्माण किया स्थानीय गांव माधापुर से। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध पूर्व बंगालियों और बहुजाति पश्चिमी पाकिस्तानियों के बीच शासन और संविधान के अधिकार को लेकर पूर्वी पाकिस्तान में सशस्त्र मुद्दी संघर्ष द्वारा छिड़ गया था। एक ही ऐसे युद्ध की रात में पाकिस्तान द्वारा कृपाण जीत विमानों के लिए एक दस्ते द्वारा भुज में भारतीय वायुसेना के हवाई पट्टी पर लगभग 14 नापलम बम गिराए गए थे। फिल्म के कई महत्वपूर्ण जीवन के सबक होंगे। फिल्म के प्रदर्शन में कुछ सबक इस प्रकार है। निरंतर प्रयास, टीम का काम और विश्वास करना एक व्यक्ति से सबसे कठिन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। विजय कर्णिक, जो भुज हवाई अड्डे के प्रभारी थे, उन्होंने पाकिस्तान हवाई हमलों द्वारा हवाई पट्टी को नष्ट करने के बाद हार नहीं मानी। उन्होंने आशा नहीं खोई और हवाई पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए महिलाओं को एक टीम में काम करने के लिए मनाने का फैसला किया। उन्होंने 30 महिलाओं को हवाई अड्डे की पुनर्निर्माण के लिए राजी किया और अपने लक्ष्य में सफल हुए 300 महिलाओं की मदद से। महिलाओं पर भरोसा करने से सफलता मिलती है और महिला सशक्तिकरण जरूरी है। एक ऐसा देश जहां महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है, हम हमेशा उसमें विकसित और दुनिया के सबसे अच्छे देशों में से एक बन जाता है। किसी देश की स्थिति में सुधार के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जब भुज के माधापुर से ताल्लुक रखने वाली 300 महिलाओं को बम विस्फोट के बारे में बताया गया, तो उनमें से एक ने उनके घर से बाहर निकलने में संकोच नहीं किया और भारतीय वायुसेना अधिकारियों की मदद भी की। महिलाएं बहुत भरोसेमंद थी और बीमारी हवाई पट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने अपना खून और पसीना बहाया। ये एक संदेश भी देता है कि महिलाएं बेहद मजबूत होती हैं और अगर एक बार कुछ तय कर लें तो वे जीवन में भी कुछ हासिल कर सकती हैं। उन्होंने केवल 3 दिनों में बमबारी हवाई पट्टी को पुनर्जीवित किया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके अपनी राय फिल्म के बारे में हमें ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करें। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है संस्कृति जालन ने।